मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को उनका 2018 का पुराना पत्र याद दिलाया, जिसमें अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की मांग की गई थी। दिग्विजय सिंह ने कहा, पूर्व में मुख्यमंत्री खुद जिस मांग को उठा रहे थे, आज उसे पूरा करने के लिए वे खुद सक्षम हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने 15 मार्च 2018 का एक पत्र वायरल किया है, जिसमें उज्जैन दक्षिण के तत्कालीन विधायक डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री को लिखा था। इस पत्र में अतिथि शिक्षकों को नियमित या संविदा नियुक्ति देने की मांग की गई थी। दिग्विजय सिंह ने अब यही मांग वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने रखी है और कहा है, जब आप विधायक थे तब आप अतिथि शिक्षकों के पक्ष में सीएम को पत्र लिखते थे, अब प्रभु की कृपा से आप खुद सीएम हैं तो अतिथि शिक्षकों को उनके अनुभव और योग्यता के अनुसार नियमित करने की कृपा करें। 2018 में उज्जैन दक्षिण विधायक के रूप में डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री को लिखा था कि अतिथि शिक्षक संगठन समिति जिला उज्जैन ने ज्ञापन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षक 8 से 10 वर्षों से पूर्ण निष्ठा से अध्यापन कर रहे हैं। उन्हें वर्ग 1 के लिए 4500 रुपए, वर्ग 2 के लिए 3500 रुपए और वर्ग 3 के लिए 2200 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है, जो कि बहुत कम है। अतिथि शिक्षकों की लंबी सेवा को देखते हुए उन्हें संविदा शिक्षक बनाए जाने की कार्रवाई अपेक्षित है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारों के दौरान अतिथि शिक्षकों का आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। 2018 में कमलनाथ की सरकार के दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने पत्र लिखा था। अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस पत्र को आधार बनाकर मुख्यमंत्री यादव से अतिथि शिक्षकों की मांगे पूरी करने का अनुरोध किया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना ने कहा कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है और दिग्विजय सिंह की सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने कभी भी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का हित नहीं किया।